देखिए सर्वेक्षण प्रारूप भरते समय जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कई क्वेश्चंस आ रहे हैं साथियों के, आज वो इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इस तरह से सर्वेक्षण प्रभार हेतु प्रारूप पर आ जाएंगे। यहाँ पर मजरा, ग्राम सभा या मोहल्ला का नाम भरेंगे। ठीक है, जो भी हो, ग्राम सभा हो या मजरा लगता हो या मोहल्ला, उसका नाम भर लेंगे। यहाँ पर देखिए प्रविष्टियाँ आप चाहे हिंदी में भी भर सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में भी भर सकते हैं। उसके बाद अब बात आती है परिवार के मुखिया की जानकारी। देखिए राशन कार्ड अगर हो घर में तो राशन कार्ड संख्या भरिए, अगर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, इसे खाली ही छोड़ दें। प्रॉब्लम ये आती है कि आप वो कहते हैं कि एक परिवार में दो कैंडिडेट हैं, उनके दोनों के राशन कार्ड बने, तो मुखिया कैसे माना जाए? तब इस केस में आपको अलग अलग मुखिया बनाना है एक परिवार के ही। ठीक है, जिसका राशन कार्ड बना है उसको मुखिया मान लीजिए अलग, और दूसरा जिसका राशन कार्ड बना है उसको मुखिया मान लीजिए अलग। तो दो एंट्री यहाँ पर होंगी। ठीक है ना, तो कोशिश ये करिए जिसका राशन कार्ड हो उसी को यह परिवार का मुखिया मान लीजिए, उन्हीं का यहाँ परिवार के मुखिया का नाम में उनका नाम भर दीजिए। नहीं तो आप परिवार वालों से पूछ लीजिए कि मुखिया कौन है, उस तरह से भी भर सकते हैं। आयु, लिंग भर लेंगे, धर्म भर लेंगे, वैवाहिक स्थिति, सामाजिक वर्ग, कैटेगरी क्या है, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, परिवार की अनुमानित आय, देखिए अपनी तरफ से भर दीजिए अनुमानित आय। अनुमानित है वार्षिक में भरिए, सालाना कितनी है, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000 अनुमानित अपनी तरफ से भर दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर की प्रॉब्लम आती है। आप मोबाइल नंबर भरते हैं तो बताता है ये पहले से ही दर्ज है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, मोबाइल यहाँ पर आप कोई सा भी मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर का स्वामित्व देख लीजिएगा, निजी है, किराए पर है। उसके बाद बीपीएल या एपीएल में प्रॉब्लम आएगी कि बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि राशन कार्ड नहीं है तो हम एपीएल बीपीएल कैसे बने। देखिए राशन कार्ड नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि एपीएल बीपीएल नहीं बन सकते। एपीएल होता है अबव द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से जो ऊपर है उन्हें एपीएल चूज करिएगा, और बीपीएल बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे है उनके लिए बीपीएल चूज करिएगा। परिवार की कंडीशन देख के आप इसे सेट कर सकते हैं। पूर्ण पता, मकान नंबर सहित। क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं कि जिनका मकान नंबर है ही नहीं, पूरा गांव देख डाला, किसी का मकान ही नंबर नहीं है, केवल पता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मकान नंबर छोड़ दीजिए, केवल उनका एड्रेस ही भरिएगा। उसके बाद अब बात आती है परिवार में सदस्यों की संख्या जिनकी उम्र 14 वर्ष से ज्यादा हो। तो यहाँ पर देख लेंगे परिवार में कितने सदस्य हैं, इस पर टाइप करेंगे जितने भी सदस्यों, जैसे यहाँ पर भी वन भरा हुआ है, मान लीजिए परिवार में तीन सदस्य हैं तो हमने तीन भर के यहाँ पर टैप कर दिया, तो यहाँ पर देखिए तीन कॉलम ओपन हो गए। अब नाम भरना है, आयु भरना है, उसका लिंग, यहाँ पर भी देख लीजिए मोबाइल नंबर है तो भरिए, नहीं तो जरूरी नहीं है, ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। वैवाहिक स्थिति, उसके बाद शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय और मुखिया से संबंध। मुखिया जो ऊपर आप बना चुके हैं उसका इस कैंडिडेट का मुखिया से क्या संबंध है, वो यहाँ पर भर दीजिएगा। ठीक है, मुखिया से संबंध पर वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, कैसे संबंध भरेंगे उस वीडियो के लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहे हैं, वहां से देख लीजिएगा। इस तरह से अब नीचे आते हैं बच्चों की जानकारी। परिवार में बच्चों की संख्या जिनकी उम्र 0 से 14 वर्ष तक की हो, तो यहाँ पर देख लेंगे, जैसे मान लीजिए 4 बच्चे या 5 बच्चे हैं तो यहाँ पर भरा इस तरह से, जैसे टैप किया तो यहाँ पर देखिए 4 कॉलम ओपन हो गए। अब बात आती है बच्चे हैं ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे ये भी क्वेश्चन आया कि जिस परिवार में छोटे बच्चे हैं ही नहीं, आई मीन 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसे ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ भी नहीं भरना है, और फाइनली फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना, तब भी ये सबमिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए पहली बार में सबमिट नहीं हो रहा है तो फिर से एक बार आप दोबारा ट्राई कीजिए, फाइनल सबमिट हो जाएगा, ये बच्चों को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से अपनी डिटेल को कम्प्लीटली भर सकते हैं। और क्वेश्चन ये भी कर रहे हैं साथी कि क्या ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में उन्हीं का करना है घरों का, किस सभी का करना है? देखिए पूरे गाँव का करना है, ये एक परिवार सर्वेक्षण क्या है, समझ लीजिए जनगणना ही है, जो आप टीचर्स से कराई जा रही है और पोर्टल पर भी सेव करवाई जा रही है। समझ रहे हैं ना? ओके, थैंक यू।